Brought to you by ITIL Series. बट अगेन मतलब somehow इस टीम को अब देखता हूं ना तो वो फायर पावर दिखती नहीं है. टीम वही है, तकरीबन वही है, बट पता नहीं क्यों मुझे इस साल ना थोड़ा सा इनमें वो फार पार नहीं दिखती. ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेट खेले नहीं है पिछले कई महीने से, अचानक से सीधा आईपीएल आएंगे. रचिन रविंद्र हम लग रहा है, बट रचिन रविंद्र ने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा खेला. आई डोंट नो वो सीधा आईपीएल में आते ही क्या डेविन कॉनवे की वो सॉलिडिटी और अग्रेसिव स्टार्ट दे पाएंगे, क्योंकि कॉनवे ऋतुराज का एक पेयर बना हुआ है. तो अगर आप 32 आउट हो जाओ उसके बाद इस टीम को दिक्कत आ सकती है. अगेन नंबर 3 उन्होंने अजिंक्य रहाणे को क्या इस्तेमाल किया था. रहाणे का बैटिंग कर रहे थे, मतलब रहाणे एक अलग ही फूल बन के आए, उसके बाद तो इंडिया खेले. अब रहाणे ने इस साल रणजी ट्रॉफी में उनकी टीम फाइनल पहुंच गई मुंबई, मेरे ख्याल कुल मिला के 100 रन बनाए. हाँ मतलब कि 150 करीब होंगे, एक 50 पूरे सीजन. हाँ एक हाफ सेंचुरी है. सो रहाणे का भी वो जो मिडास टच था पिछले साल का, जहां पर वो केयर फ्री खेल रहे थे, बिना किसी बोझ के खेल रहे थे, अब वो उनके लिए भी मुश्किल है. फिर आ जाते शिवम दुबे. शिवम दुबे तर्कश में तीर लेकर आए थे धोनी, जहां पर लोगों को ही कॉट देम ऑफ गार्ड कि यार ये तो पीछे की बजाय हमने बीच में डाल दिया. आई एम श्योर टीम्स विल हैव प्लान्स फॉर हिम आल्सो. सो कहने का मतलब ये है कि इस टीम में अभी से इफ्स एंड बट्स ज्यादा दिख रहे हैं पिछले साल. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप.